हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू और मेरे साथ है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं वंदना। मैं विवान। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने के लिए LG वैक्यूम क्लीनर का, LG कॉट जीरो थिन क्यू। और इसका जो मॉडल है वो है LG A9K अल्ट्रा। बड़े लंबे लंबे नाम रखते हैं भाई। डिटेल में बता रहे, मुझे नहीं लगता इसका यूज भी वो इतना करेंगे। यूज तो मैंने ही करना है और किसने करना है, लगाना तो मैंने ही है। तो दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक डाइसन V15 की वीडियो भी डाली थी और वो उसमें तो मैंने खैर प्रैंक कर दिया था, वो वंदना जी के लिए नहीं था वैक्यूम, वो नेबर्स का वैक्यूम था। तो इस बार गई थी, इस बार ये खुद आया है मेरे हमारे साथ। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो हम लोग लेके आए हैं ये वाला। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या मिलता है और कैसे काम करता है, तो इसका पूरा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग आज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं, तीन दिन से घर में वैक्यूम नहीं लगा, डेस्परेट हुए पड़े हैं हम लोग। भाई सीलिंग भी बड़ी तकड़ी दी है। कुल मिला के रियलिटी तब पता चलेगी जब ये हमारा घर साफ करेगा अच्छे से, बढ़िया से, बिल्कुल, तब हम आपको बताएंगे कि सच में। एक मिनट, रॉन्ग साइड से खोला है क्या? एक्सपर्ट लोगों ने डब्बा उल्टा खोल दिया। एक्साइटमेंट में वंदना जी ने डब्बा दूसरी साइड से खोल दिया था, रॉन्ग साइड से। क्या बात है, शानदार पैकिंग, जबरदस्त है, कुछ भी को बहुत बढ़िया पैकिंग ये है जी। देखिए सारा सामान, मैं इसको निकाल के एक तरफ रख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या सामान है। भाई साहब सामान है कि निकले ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा। कितना सामान है इस बॉक्स में भाई, क्या क्या दे दिया LG वालों ने? मुझे लग रहा है LG वालों ने एक्स्ट्रा दे दिया कुछ ये बड़ा। सो दोस्तों, ये सारा सामान निकला है इस बॉक्स में। तो ये तो आई थिंक इसके सारे अटैचमेंट्स हैं जो बाद में यूज होंगे। ये इसका मेन हैंडल है जो इसमें अंदर मोटर एंड फिल्टर वगैरह सब इसमें लगा हुआ है। ये इसका चार्जिंग स्टेशन है ये पूरा, और ये इसकी रॉड्स होंगी जहाँ तक है ये वाली, और ये चार्जिंग स्टेशन जो इसमें यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो है ये इसका मॉपिंग वाला पार्ट है। देखिए यहाँ मॉपिंग के लिए होगा, इसमें पानी भी भरा जाएगा। मॉपिंग पैड यहाँ पर है, ये इसके मॉपिंग पैड्स हैं, टू पेयर्स आए हैं साथ में। फर्स्ट टाइम करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा पानी में भिगोना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। दो ये बैटरी है, ये इसका चार्जर है, एक और है। ये इसका एक हेड है और एक हेड और है फ्रेंड्स, ये वाला आई थिंक अभी देखते हैं, ये शायद कारपेट या हार्ड सरफेस किसके लिए है देखते हैं। पर हमारा मेन तो एक, देखिए एक पोछे वाला चाहिए हमको और एक कारपेट के लिए। पोछे वाले में देखिए वाटर जितना भी आपको चाहिए, कि आपको अगर थोड़ा ज्यादा गीला लगाना है या कम गीला लगाना है, ये है बेसिकली वन ड्रॉप एंड टू ड्रॉप, सो डिपेंड ऑन यू। हाँ, इसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको फटाफट अब असेंबल कर लेता हूँ और देखते हैं फिर ये कैसा लगता है। तो दोस्तों, मैंने इसके चार्जिंग स्टेशन अभी कंप्लीट कर दिया है और चार्जिंग मैंने इसको लगाया है। इसके लिए इंडिकेटर यहाँ पे उन्होंने ये दे रखा है, बैटरी ये चार्ज हो रही है। तो ऑलवेज ये लोग प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट यूज से पहले हम इसको एक बार फुल चार्ज कर लें बैटरी को। तो इसको हम, हाँ, इसको हम पूरी चार्ज कर लेते हैं और बाकी साथ में इसका और सामान आपको दिखाते हैं, इसे और क्या अटैचमेंट है। बेस्ट थिंग, ये फिल्टर देखिए, और ये फिल्टर वॉशेबल है, काफी से वॉश कर ली। वॉश करने के बाद जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए, कल उसने सेल्स रैप में बोला था कि कंप्लीटली ड्राई तब आपने इसे दोबारा यूज करना है। दो तीन फिल्टर है इसके अंदर। हाँ, एक ये फिल्टर है, एक इसके जो मशीन है इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, एक ये फिल्टर भी है। तो ये भी निकल के पूरा वॉशेबल है, आराम से ठंडे पानी से धो करके इसको हम इसको दोबारा यूज इसमें लगा सकते हैं। बट एवरी मंथ उसने बोला था कि मंथ में एक बार इनको जरूर, हर 4-5 बार के बाद या महीने में एक बार धोने ही धोने हैं फिल्टर। हाँ, एक एक्स्ट्रा बैटरी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि आप चार्ज करके रख ले, तो आपने किसी दिन डीप क्लीनिंग करनी हो, वैसे 2 घंटे कभी वैक्यूम में नहीं लगते, 1 घंटे में। बट कभी कभी किसी के केस में हो जाता है जिस दिन आपको लगता है कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, ये है जो इसके वैक्यूम का मेटल पार्ट, ये एडजस्टेबल है, देखना एक बार वरना कैसे होगा।
अपने हाइट के हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो जो भाई लोग हैं उन लोगों को आसानी रहेगी, वो एडजस्ट कर सकते हैं भाई लोगों को, है ना। भाई लोगों ने जानबूझ के इसलिए अच्छा वैक्यूम खरीदा है ताकि वे लगाना ही ना पड़े काम। लेकिन जो देख रहे हैं भाई लोग उनको भी आसानी रहेगी ना, उनके अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डायसन का तो एक फिक्स था, उसमें ज्यादा आप वो नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशन तो लगा दिया है, अब बात करते हैं इसकी बॉडी की, ये जितने भी हेड्स हैं, जो रॉड्स वगैरह हैं, अब ये देखते हैं कौन किसके काम क्या क्या आता है। थोड़ा सा मैंने देखा है इसको, सर्च भी किया है, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों इसमें टोटल हैं 5 हेड्स हैं टोटल इसमें। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला है ये बेसिकली डस्टिंग के लिए, तो ये फाइन डस्ट को अच्छे से उठाएगा। उसके बाद ये निकल जाएंगे, और हार्ड सरफेस पे भी ये यूज हो सकता है, बट जो बेस्ट है हार्ड सरफेस के लिए वो ये वाला है। मैंने अभी एक वीडियो में भी देखा था इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन जो पीज है, मटर के दाने भी थे, वो भी इसने अच्छे से पिकअप कर लिया, उन सबको अच्छे से क्लीन किया। तो उसने मीडियम पे रखा हुआ था, हाँ मीडियम स्पीड थी, तो तभी इसका पिकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी हम जब देखेंगे, बाकी हम जब यूज करेंगे तो बाकी अभी तब पता चलेगा इसका। और फेवरेट वन वंदना जी का फेवरेट वन जिस जो क्योंकि इनको पोछा लगाने की आदत है, स्टिल डाउटफुल, मुझे नहीं पता, दिस इज द बेस्ट फॉर हर। तो यही है कि अब देखिए जब हम लगाएंगे तब पोछना एग्जैक्टली पता चलेगा इसमें। हाँ, और इसमें गाइस जो साथ में इन्होंने यहाँ मतलब ये मॉपिंग करेगा, साथ में यहाँ स्टिल वैक्यूम भी चालू रहेगा, तो छोटे मोटे पार्टिकल होंगे उनको भी पिक करता रहेगा, सक्शन इसका चालू रहेगा उस वक्त भी, और मुझे लगता है थोड़ा और ड्राई भी करेगा। तो इसमें हाँ यहाँ पर पानी भरना है, ये इसका वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा जाएगा। अभी देखते हैं कैसे का यहाँ, आई थिंक फ्रॉम दिस साइड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से भरा जाएगा। हम लोग भी उतनी एक्साइटेड हैं जितने आप लोग एक्साइटेड हैं। और कितना फ्लो आपको वेट रखना है उसके लिए ऑप्शन इधर है कि आपको एक ड्रॉप चाहिए या टू ड्रॉप चाहिए, कितना वेट आपको यूज करना है, ये कितने दाग हैं आपके फ्लोर पे, बेसिकली वहां से पानी का वो आप सेट कर सकते हैं। तो मुझे इसमें दो ऑप्शन जो है वो बेस्ट लगे, जो डायसन से मेरे को ज्यादा बेटर लगे, एक तो ये वाला पार्ट क्योंकि ये डायसन में नहीं आ रहा था, V15 में भी हेड बड़ा है उससे, मुझे इनफ बड़ा लगा। प्लस इसकी जो रॉड है, वो जो एडजस्टेबल रॉड है, वो मेरे को एक चीज अच्छी लगी। डायसन में जो V15 था शायद उसमें एडजस्टेबल नहीं थी, बट इसमें है, आई एम नॉट 100% श्योर, मे बी, बट मेरे को ये दो चीज इसमें ज्यादा अच्छी लगी, जो मेरे को लेने के लिए मतलब इसने अट्रैक्ट किया कि नहीं यार ये वाला ले लेते हैं। अगर आप सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप अपनी बीवी से करते हैं प्यार, तो प्लीज यार मत करिए, मत करिए नए वैक्यूम और मॉपिंग वाली चीजों से इनकार, है ना। अच्छा एक अच्छा वैक्यूम लीजिए, क्योंकि ना इससे हम लोगों का टाइम बहुत बचता है। इवन अब शायद सोनू जी भी स्टार्ट कर दें लगाना, स्टार्ट क्या कर दें, मैं ही लगाता हूँ हमेशा, स्टार्ट क्या कर दें, अब शायद तुम लगाना स्टार्ट कर दोगी, मैं लगाता हूँ हमेशा। और वैसे भी घर 3-4 से वैक्यूम लगानी, ज्यादा गंदा अभी क्लीन करेंगे और आपको इसके रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो दोस्तों जब तक इसकी बैटरी चार्ज होती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने लिया है हार्वे नॉर्मन से, और इसका जब प्राइस आई थिंक लॉन्च हुआ था 1500 समथिंग का था, बट अभी ये 1300 की प्राइस रेंज का है, बट क्योंकि अभी सेल चल रही थी तो उन्होंने 1199 का लगाया हुआ था, और साथ में $100 का वो लोग वाउचर दे रहे थे, साथ में आप वाउचर ले सकते हैं या उस $100 को भी डिस्काउंट कर लीजिए, तो $1100 का आपको ये मिल जाएगा 2 ईयर की वारंटी के साथ। आपने एक्सटेंड कराई है, और उसके साथ आप प्रोडक्ट केयर भी ले लीजिए, तो 2 साल या 3 साल का जितना भी आप लेना चाहें प्रोडक्ट केयर, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है उसमें कि अगर कुछ हो गया आपके वैक्यूम में तो वो आपको रिप्लेस करके नया दे देंगे। तो वो मेरे को पड़ा आई थिंक 190 का वो गया, 1100 का ये था, सो ऑल टुगेदर 1290 का ये पड़ा है फॉर 4 ईयर्स। लेट्स सी, 4 साल निकल जाए तो अच्छा है। और हम सीरियसली हम आपको बताते हैं $400-$500 तक का ही वैक्यूम लेने गए थे, हाँ प्लान तो यही था, हाँ, लेकिन चीजें हमने सोचा था एक हैवी वैक्यूम ले लेंगे विद एक छोटा ले लेंगे 250-300 तक का, और एक वो जो तार वाला होता है एक वैसा, हाँ, ले लेंगे, तो दो ले लेंगे 500-600 में दो आ जाएंगे, बट इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, सब कुछ एक ही में पहुंचा भी है साथ में, तो मेरे हाथ नहीं दुखेंगे अब, मैं झुक के नहीं लगाऊंगा, मैं आराम से खड़े होकर आराम से पोछा लगाता रहूंगा, लेट के नहीं लगाऊंगा, है ना, मुझे अब डंडे नहीं पड़ने वाले हैं, आराम से पोछे लगेंगे। फिर इसकी बैटरी चार्ज होती गाइस, तो फिर इसको हम यूज करके दिखाते हैं आपको कैसा यूज है इसका। ओके बने रहिएगा।
बातों बातों में एक दो चीज़ दिखाना तो भूल गया। ये हैं इसके मल्टी एंगल थिंग्स जो, और जैसे ऊपर कहीं साफ करना है, बॉटम में कहीं साफ करना है, तो उसके पार्ट से ये ये इसको यहाँ से प्रेस करके जो है ऐसे निकालना है। और ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। और फ्रेंड्स देखिए मैं कितनी मेहनत अच्छा कर रही हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं छोटी छोटी पीसेस काट के मेक श्योर कर रही हूँ कि ये वैक्यूम अच्छा है या नहीं है। सेम ऐसा ही एक और ये हेड है, ये हेड है आपकी गाड़ी के जो है डैशबोर्ड वगैरह क्लीन करने के लिए, सीट वगैरह साफ करने, मतलब वैक्यूम करने के लिए, सोफे वगैरह वैक्यूम करने के लिए। ये भी है एक, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी आई थिंक कार में ही यूज हो जाएगा। और ये जो पतला वाला, ये भी कारों में भी। ये पार्ट इसका वॉल माउंटिंग के लिए, वो हमने करना नहीं, हम तो साइड में ऐसे ही रख लेंगे, वॉल माउंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सेसरीज हो गए गाइस, 5 तरह के हेड हैं, बाकी छोटे छोटे मल्टी एंगल हैं। इसका एक और रह गया है ये वाला, ये भी मल्टी एंगल में एक्सटेंशन में यूज़ होगा। तो ये भी मतलब अगर थोड़ा हाइट पर है कहीं पर है तो हम ये इसमें एक और अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम इसका ये अब मेन पार्ट देखें जहाँ मोटर है इसकी, तो ये इसका जो है मेन स्पीड के लिए है, स्टार्ट करने के लिए। और इसको हम 3 सेकंड तक अगर प्रेस कर करेंगे तो ये टर्बो स्पीड से यानी बहुत हाई स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा भर गया तो इसको इससे यूज़ करके ऐसे करके दोबारा फिर यूज़ करते रहेंगे। So, आविक आ गया है चाइल्ड केयर से। आविक से हेलो, हेलो से हेलो वन टाइम प्लीज। सो फ्रेंड्स आफ्टर 2 or 2.5 hours ये अब कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है। आर्विक भी आ गया, विवान गया ट्रेनिंग अपनी टेनिस की। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ थोड़ा बहुत मैस फैला हुआ है, इसको हम देखते हैं भी कितना अच्छे से क्लीन करता है। तो फ्रेंड्स इसको निकाल लिया है। ये देखिए गंदगी हमारे घर में आज थोड़ी सी ज्यादा हो रखी है, थोड़ी करिए होना चाहिए ट्रायल करने के लिए इसका। आर्विक भी स्कूल से आ गया है और वो कोशिश कर रहा है कि ये खुद करेगा। तो ये पीछे की साइड है एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं ये पीछे का हिस्सा, इससे जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए। सो फ्रेंड इसमें हम लोग मल्टीपर्पज वाला हेड यूज कर रहे हैं अभी, जो सब जगह के लिए चल जाएगा। और ये है यहाँ से इसका ऑन ऑफ बटन, ये ऑन किया है अभी, नॉर्मल स्पीड पर है ये, देन ये फास्ट स्पीड है। और अगर हम इसको प्रेस करें 3 सेकेंड तक लग गए, तो नाउ यू कैन सी ये टर्बो पे आ गया है, तो तब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं ये साफ कैसा करता है नॉर्मल स्पीड पर या जो भी है। गुड, फील हो रहा है कि कारपेट को फुल कर, अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट वाला करना चाहिए क्योंकि स्क्रैच कर सकता गंदगी जो है कितनी फाइन आ रही है देखिए। सो फ्रेंड्स अगले एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा फ्लावर डाल दिया यहाँ पर आटा, मतलब आज सोनू जी सारे एक्सपेरिमेंट करके रहेंगे। तो अभी देखिए आटा डाला है, अगर इसने आटा नहीं उठाया तो हम इसे वापस करने वाले हैं। ये हमारा होपफुली चलो स्टार्ट। ये नॉर्मल स्पीड, एक बार नॉर्मल स्पीड पे रखो, नॉर्मल पे है ना, नॉर्मल पे। हाँ देखो फ्रेंड्स डिफरेंस देखो, यहाँ पर अभी है और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये भी नॉर्मल स्पीड पे है, टर्बो करना अभी एक बार 3 सेकंड्स के लिए प्रेस। और टर्बो ऑन, गुड क्वालिटी। तो गाइस बहुत ही जो है अच्छे से क्लीन कर रहा है। अब देखते हैं इसका नॉर्मल वाला ब्रश कैसा क्लीन करता है। तो दोस्तों अब लगा दिया है सॉफ्ट ब्रश वाला इसका हेड, जो कि टाइल्स के लिए अच्छा है क्योंकि टाइल्स पे इससे स्क्रैच नहीं आएंगे। तो वो भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, नीट एंड क्लीन, अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है, बहुत
जरा सी नहीं पड़ रही है कि टर्बो ऑन करें, नॉर्मल नदी बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है। अब दिखाते हैं इसका मॉपिंग, इसी एरिया मॉपिंग भी लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये वाला है इसका मॉप करने के लिए, तो हम यहाँ इसमें पानी भर लेते हैं। मैं अभी सिंपल पानी ट्राई कर रही हूँ, उसने कहा था गर्म भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने कितना, ये 200 cc है तो मैंने इतना ही डाला था, और देखिए इतने में फिल हो गया। तो इसमें देखिए ये है ना फिट करने के लिए, क्लिक, इट्स डन। पहले इसकी वो सेटिंग कर दो, यहाँ पर इसकी मॉइस्चर की सेटिंग है, वी नीड 1 drop और 2 drops, कितना मॉइस्चर रखना है हमको, हम 1 पे ही करते हैं अभी इवनिंग ट्रायल के लिए। तो फ्रेंड्स ये पैड है जो उन्होंने पहले ही बोला था कि थोड़े आप इसे गीले कर लेना, तो मैंने गीले करके इन्हें थोड़ा सा निचोड़ लिया फर्स्ट टाइम के लिए, बाकी उसके बाद तो ये नॉर्मल काम करेंगे। तो ये इसको हम लगा देते हैं पैड को इस पे, और देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये स्टिक हो गया अच्छे से, काफी अच्छे से। सो गाइस ये इसका मॉपिंग स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए ये तो अभी स्लो स्पीड पर है, जरूरत ही नहीं है कि आप इसको हाई स्पीड पर करें, आराम आराम से देखिए पोंछा लग रहा है, और इसके अंदर साथ में वैक्यूम भी चल रहा है, तो ये अगर छोटा मोटा कूड़ा भी होगा तो उसको भी ये सक्शन कर लेगा, सक कर लेगा उसको। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर कूड़ा भी है जो साथ में ये देखिए फर्स्ट क्लास पोंछा भी लग रहा है, अगर वार्म वाटर का हो तो थोड़ा उसमें कोई मिलाना हो केमिकल तो उसके साथ भी हम लगा सकते हैं। एक मिनट इसको उठा के दिखाना, ये देखिए फ्रेंड्स ये इसके पैड जो है मूव कर रहे हैं चलाने पर, और ये वाला जो एरिया है ये है वैक्यूम का, यहाँ से जो है रबिश भी सक करता रहेगा और साथ में पोंछा भी लगाता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी उन्होंने इस वैक्यूम के में, ज़बरदस्त। तो भैया मेरा काम हो गया आसान, झाड़ू पोंछे मैं आराम से लगा सकता हूँ। चलिए अब आप इतना झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्या करूँ, लगाना तो मुझे ये अभी, अब मैं ही लगाऊंगा देखना। अब तो इतना अच्छा वैक्यूम है मैं खुद ही लगा लूंगी, आई डोंट नीड एनीवन। तो फ्रेंड्स आपके लिए हमने पोछा लगाने के बाद 5 मिनट का वेट किया है ताकि ये जगह सूख जाए और वंदना जी इसका और अच्छे से रिव्यू आपको दे सके। फ्रेंड्स अगर आप सफाई से प्यार करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग ये जरूर कहते हैं कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा साफ करती हूँ। इवन माई नेवर शी सेड इफ यू लव दिस प्रोडक्ट वो 100% बाय करेगी। तो आप देख सकते हैं इवन ये पूरा लगाया था, कोई निशान नहीं छोड़ा है कुछ नहीं, और पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है, सूख गया है, बहुत फर्स्ट क्लास। ये एरिया पे हमने भी लगाया था, थोड़ा ये एरिया पे लगाया, देखिए एकदम से जो टाइल्स के वाइट निशान होते हैं पानी गिरने के, इवन वो एक भी निशान नहीं रहा, दैट्स द बेस्ट थिंग। और उसमें मैंने अभी गर्म पानी नहीं डाला और उसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं डाला, पैड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो हम इसके पैड, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अनबॉक्सिंग असेंबलिंग एंड रिव्यू प्रोडक्ट का LG A9K Ultra आउटस्टैंडिंग। तो कम से कम वाई जो लेडीज हैं उनकी लाइफ बहुत इजी हो गई, अपना काम करिए आधा घंटे में, और लेडीज की तो ज्यादा इजी नहीं हुई, लेडीज के हस्बैंड की ज्यादा इजी हो गई है, हकीकत सबको पता है कौन वैक्यूम लगाता है। तो हमारी ये शांता बाई और कांता बाई रेडी, तो डायसन V15 भी हमने लास्ट टाइम दिखाया था, बट उससे थोड़ा सा ऊपर है ये वाला इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, और जो सामान इसके साथ मिला अटैचमेंट्स मिली है उनमें थोड़ा सा ऊपर है। डायसन भी अपनी जगह बहुत जबरदस्त है वैसे, डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसका हेड काफी बड़ा है तो काफी एरिया कवर कर रहा है ये, और पोछा तो मस्त, बिल्कुल मस्त, जबरदस्त लगा है पोछा। तो मुझे पोछे को लेके तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अब एंजॉय कीजिए अपनी शाम को या दोपहर को या मॉर्निंग को, और मैं एंजॉय करता हूँ वैक्यूम को, मैं पूरे घर में वैक्यूम लगाता हूँ, थोड़ा सा विवान से लगवाऊंगा, थोड़ा मैं लगाऊंगा, वंदना जी डिनर की तैयारी करेंगी और आर्विक को संभालेगी। और अभी हमारे बीच में यही झगड़ा हो रहा था वैक्यूम कौन लगाया, क्योंकि इतना इम्प्रेसिव हो रहा है, मैंने कहा नहीं नहीं मैं लगाऊंगी, जो इंसान कभी हिलता नहीं है वैक्यूम लगाने के लिए, नहीं 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 मैं लगाता हूँ, आज वो कह रहे हैं कि नहीं। और विमान भी रेडी खड़ा, दरवाजे पे खड़ा हुआ, बाहर कह रहा है वो भी इंतजार में कि वो लगाएगा, बट लेट्स सी
थोड़ा थोड़ा करके सब लोग लगा लेते हैं, पूरे घर को क्लीन कर लेते हैं। तीन दिन से घर में वैक्यूम नहीं, और इसमें वैसे भी दो बैटरी हैं, सो ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स चलने वाला है, तो पूरा घर आज जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। आज हमारे घर की घिसाई होने वाली है 2 आवर्स तक। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, एंड टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू।